हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय गासी। सॉरी आज मैंने दिन भर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल रात की वीडियो बनाई थी, मैं ज़रा देखना चाहती थी उसका रिएक्शन क्या है सब पे। बहुत लोगों को, मैं नाम नहीं लेती तो बहुत लोगों को बातें बुरी लग जाती। मेरा कहना बस ये है ना, जब आपका नाम नहीं लिया और आपने कुछ गलती नहीं की है ना, तो आप उस चीज़ का आर्गूमेंट मत करो। मैं सच बोलूँ ना, इंसान अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाएगा जब उसको लगता है। तो मैंने अक्सर एक बात देखी है, जो मेरे साथ अच्छे से रहता है ना, उसको मैं सर आँखों पर बिठाती हूँ। जो मेरे साथ इतनी भी उंगली करता है ना, मैं उसको, मैंने क्या कहा, मैं दिल में नहीं तो दिमाग में भी इंसान को नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि देखो, मैं है ना अपने से पहले लोगों का सोचती हूँ। मैंने एक आदत है मेरी, मैंने बांट के खाना सीखा है। मैं कभी भी अकेले खाना नहीं सीखती हूँ। मेरे घर में मैं हर एक इंसान का उतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि कोई मेरे साथ, जो गाड़ी वाले गाड़ी चलाने भी जो ड्राइवर लोग जाते हैं ना, उनको भी कभी पूछो, उन लोगों को रास्ते भर में कोई चीज़ की कमी नहीं आती है। लेकिन मुझे फिर बुरा ये लगता है जब मुझे पीछे से पता चलता है, आदमी कहीं भी मुंह मारे, घर के बाहर, घर के अंदर इंसान मुंह नहीं मारता है। और एक बात ये भी नहीं डरता है कि इंसान एक बार, दो बार, तीन बार हिंट दे रहा है, हमारी मौत का दरवाज़ा खुल रहा है, पता नहीं चलता है। जाने तो कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी क्या हुआ है, तुम्हारे पेट पर लात पड़ गई है ना, तुम लोग जो गलती किया उस वजह से सबके पेट पर लात पड़ गई। गाड़ी की कमी नहीं है। देखो मैंने क्या कहा है, मेरे लिए बिगाड़ने को सोचोगे या मुझसे बिगाड़ोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आज तक कि यही हूँ। कितने लोग आए और चले गए मेरा बिगाड़ने के चक्कर में, क्या बिगाड़ पाए, मेरा नुकसान तुम्हारा है। क्योंकि मेरे पास जो रह के खा पी के जाते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं ना, उनको फिर बाहर की वो दुनिया पसंद नहीं आती है। वो एक दुनिया अलग रहती है, उस तरह से रहना चाहिए। आज मैं रेणुका माँ के मंदिर गई थी विले पार्ले में, वहाँ पे सुनीता मिली, जो पहली बार मुझे मिली। वो मुझे बोलती है, माँ मैंने आपको देखा और माँ को देखा, मैं खुश हो गई। बहुत सुंदर था रेणुका माँ का मंदिर, क्योंकि मेरी इच्छा थी मैं एक बार जाऊँ, पैर पड़ के आऊँ। कहते 50 साल पुराना मंदिर है, वो भी तो एक है। वो आई, फटाफट मिल के चली गई। एक दिल से प्यार होता है, ऐसी बात है। मैं कभी किसी को गलत नहीं कहती, देखो मेरी एक आदत है। मैं किसी के लिए कोई गलत बात नहीं कहती, मुझे बस एक ही बात है, अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है ना, तो मैं उस रास्ता ही काट देती हूँ उस जगह से, ऐसी बात है मेरी। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, देखो मेरा कैसा ना, एक पर्सनल दुनिया है मेरी। मैं पूजा पाठ अलग करती हूँ, मेरी एक पर्सनल दुनिया है। मुझे अपने पर्सनल दुनिया पे, मेरे बच्चे हैं, मेरा प्रभु है, मैं हूँ, हम लोग अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। उस दुनिया में अगर हम लोग किसी को शामिल भी करते हैं ना, तो शामिल करने के बाद वो साले हमारे सर पे आके मूतने लगाते हैं, हमारे ही बाप बन के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना सकती हूँ, मैं अपने प्रभु के लिए खाना बना सकती हूँ। साला गाँव के लोग आएंगे सीखने के बहाने, इसके बहाने फिर हम उनके लिए खाना वाना बनाते बैठे, मुझे नहीं पसंद आता, फिर मुझे चिढ़ लगती है, मुझे नहीं पसंद है। मेरा कहने का मतलब है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आपको सही में किसी का प्यार जीतना है, कुछ करना है, आए, 2 मिनट मिले, अभी कैसे सुनीता आई मेरे से मिली, 10-15 मिनट में अपने घर चली गई, बात ख़त्म। हमारा प्यार वैसे ही बना हुआ है। यहाँ पे देखो मुझे कैसा है ना, कुछ बातें बुरी लगती हैं। मेरे घर में लोग आते हैं, मेरे बच्चों को मैंने कभी ऑर्डर नहीं दिया है कि ये मेरे लिए प्लेट लेके आ, पानी लेके आ, कुर्सी लेके आ, हाँ। और बाहर के इंसान आके हमारे बच्चों को ऑर्डर देते हैं, और किस बात के लिए, कि जरा सा प्लेट ला दो, जरा सा कुर्सी ला दो। अरे मेरे घर पे मैंने 4-4, 5-5 काम वाली रखी कि कोई मेरे बच्चों को ऑर्डर ना दे। और तुम लोग की इतनी औकात, तुम लोग समझते क्या अपने आप को, हाँ। कहते हैं कि हम अघोरी बन चुके हैं, कैसे अघोरी बन गए। विद्या देवी ने 5 साल भीख मांग के कपड़े पहने हैं, आज 15 साल से पूजा की ना, तभी भी आज तक मैंने अपने आप को पूरी तरह से अघोरी नहीं माना है, क्योंकि पूरी तरह से अघोरी नहीं बन पाई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे केशव का पापा से काम करा है, मेरे बच्चों से काम करा है, क्योंकि विद्या देवी खुद अपने बच्चों से जल्दी काम नहीं करवाती है। मैं उन बच्चों के लिए बचपन से काम वाली रखी हूँ, और सारे 2 जन बाहर से आएंगे और अपने आप को क्या समझेंगे मालूम नहीं, तो समझते मेरे बच्चों को ऑर्डर देते हैं, ये ला दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ। पता चलता है कि मैं विद्या देवी, वो अपने पति का खाना तो परोस रही हूँ, उनके लिए भी खाना बनाओ, उनके लिए भी परोसो। क्यों परोसो, क्योंकि वो हमारे घर में आए हैं मेहमान बन के, ये सब नहीं पसंद है, ये गलत बात है। उसके बाद मेरा कैसा है, अभी देखो मेरे बेटे के बर्थडे में गए हम लोग ने, बहुत कोशिश की सब लोग ने बिगाड़ने की। अरे हम लोग जब कोई प्रोग्राम रखते तो हम लोगों को मेहमान बना के अपने पास बुलाते हैं, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन पे सारा काम छोड़ देने का। लेकिन एक अलग वो करना है। देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे को किसी के सामने एटीट्यूड करना नहीं आता। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, समझ रहे हो।
ये बात पसंद नहीं है कि अपने स्टाइल में सबसे काम करवाना, ये करवाना वो करना। मेरे को बहुत सारी बातें दिमाग में लग गई थी। मेरी बेटी को बोला जा रहा है कुर्सी लाओ टेबल लाओ। अरे यार क्या है ये, कौन हो कौन तुम लोग की औकात क्या है, हो कौन तुम लोग, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बच्ची से काम करवा रहे हो। हाँ मैंने आज तक कभी किसी से कोई फ्री में वो चीज़ें नहीं ली। मेरी अन्नू जी भी आती है ना, वो भी कभी मेरे बच्चों को ऑर्डर नहीं देती हैं। मुझे पसंद नहीं है सब बातें, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ये बातें सोच रही हूँ मैं, समझती किसी को बुरी लगेगी, लेकिन बुरी लगने दो, समझने दो कि हमने क्या गलती की है। मेरे लिए देखिए मैं कैसी हूँ मालूम, मैं अपने बराबरी में कपड़ा पहनाती हूँ, बिठाती हूँ, करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी बराबरी में बैठने बाद मेरे बच्चों को अपनी बराबरी में नहीं लेने का। मेरे बच्चे, मेरा पति मेरे लिए बहुत अलग है। कल रात को भी मैंने वीडियो बनाई थी, क्या हुआ, गाड़ी मुझे बहुत मिलेगी, गाड़ी के लिए कमी नहीं है। अभी देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, कल सुबह मैं जा रही हूँ सप्तशृंगी मंदिर में दर्शन करने। मैंने सुना है कि वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का काम है, जैसे एक प्रकाश चौगले करके हैं मेरे पास भाई हैं, वो और भी दो तीन उनके ओटी भरने जा रही हूँ, उनके सिस्टर की शादी नहीं, और ख़ास करके इस बार मैं अपने केशों के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप वालों का जो काम करना था मैंने कर दिया, सबका काम हो चुका, वो काम नहीं बचा। अब फाइनली मेरा काम सिर्फ मेरे केशों का बचा है, बस अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है। मैंने सबकी शक्तियाँ सिद्ध कर दी है, शक्तियों का जो मंत्र है कल रात को मैं दे दूँगी, सब कर दूँगी। हालांकि मेरे ग्रुप में जो लोग अभी सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे कोई काम नहीं बचा, अब मुझे फाइनली मेरा काम बस मेरे केशों का बचा है, अब मेरे बच्चे को लाना है। खास करके मैं माँ के पास अपने बच्चे के लिए जा रही हूँ, और कुछ लोगों को बराबर, क्योंकि कुछ बड़ा काम है, कुछ लोगों का जो थोड़ा काम है, जरा मुझे वहाँ तक जाके वो चीज़ें पूरी करके आनी है। क्योंकि देखो मैं है ना, आप किसी के बारे में नहीं, मैंने देखा है कि चाहे पुलिस हो चाहे वकील हो चाहे कोई भी हो, ये लोग सिर्फ अपनी देखते हैं, किसी के सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं है। अभी जैसे आरिफ शेख के साथ, इन लोगों ने जितने लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों का नाम ली, समीर नितिन, ये लोग उसके साथ गलत काम करते थे। मैंने वार्निंग कल भी दी, आज भी देती हूँ, अगर मेरी गाड़ी नहीं आई 2 से 4 दिनों में, मैं सबकी फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, फिर जो करना है करो। गलत बात है, समझ रहे हो, गलत बात है ये। अगर अभी मैं अपने वकील से बात कर रही थी, मेरे वकील ने बोला कि मैम आपको बोलना चाहिए था, कंप्लेंट करना चाहिए था। अरे कैसे करेगा मेरा आदमी कंप्लेंट, 18 मार्च को तो उसको आरिफ शेख ने मार के भगा दिया था घर से, हाँ उसको बोलने का मौका नहीं दिया था, उसको तो बेचारे को नशे की दुनिया में डाल दिया था, वो बेचारा बीमार था 2-3 महीना तो बीमार था, मैंने उसको ठीक किया है। हाँ 8 मई को जब मैंने आरिफ शेख को घर से बाहर निकाला, तो उसने जब गाड़ी का बात हो रहा था तो उसने उसके भाई को मारा, कैसे मारे कैसे आएगा। 8 मई तक के अंदर की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाली, जिस रिकॉर्डिंग में वो साफ साफ कह रहा है कि ये क्या भागेगा, मैं इसको भगाया है ना, वो करेगा। जो आदमी भगा सकता है, मारने के लिए आदमी छोड़ सकता है, वो गाड़ी चोरी करके नहीं भाग सकता है। 2 साल से वो गाड़ी चुरा के भागा है, गाड़ी देने का नाम नहीं ले रहा है। जब इंसान अभी एक बात बताओ, केशव के पापा पे 307 का केस था, उन पे ऑलरेडी मुसीबत थी, एक तो पहले ही वो बीमार पड़ गए थे उनके डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, उसके बाद उसके ऊपर मारा मारी किया, उसके बाद उसने बोला था कि अरे पहले निकलने तो दो, उसे लगने तो दो कि वो फ्री हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। उसके बाद उसने अगस्त में उसको मारा, उसका भी केस फाइल है, उस पर 307 का केस चल रहा था। 307 का केस आप सबने देखा भी, पिछले साल ही दिवाली पे फाइनल हुआ है। हाँ उसके बाद तो कैसे जाएगा, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मेरे वकील तक भी मैसेज पहुँचाऊँगी मैं कि जो बातें होती है, बातों का जवाब है मेरे पास। आदमी जब आदमी को आप मारने की धमकी दे रहे हो, दिन दहाड़े बाकायदा ये रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो कि वो अगर मेरे सामने आया तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ डालूंगा, तो उसके बच्चे को मारूंगा, उसकी बीवी को मारूंगा, किस बेसिक पे वो आदमी जाएगा गाड़ी मांगने, वो छोटे सोचेगा भाड़ में जाए, गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन अब उस गरीब आदमी पे बार बार बैंक वालों का बर्डन आ रहा है, माँ बाप का बर्डन आ रहा है, तो वो सोचेगा ना गाड़ी कहाँ है, नंबर पे फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन बंद है, सब कुछ बंद है, आदमी सोचेगा ना गाड़ी कहाँ है, गाड़ी मिल जाए मैं बैंक वालों को वापस कर दूँ, उसको कोई झगड़ा झंझट थोड़ी चाहिए। तो उस चूते को भी ये बात समझनी चाहिए ना कि अगर मैंने उसकी गाड़ी ली है, मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी दे दूँ, ये बात है ना। क्योंकि 2 साल से देखो, 2 साल से उस आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे केशव के पापा का, ना कोई 2 साल में बातचीत हुई है, ना कॉल रिकॉर्ड है। अगर वो गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी के साथ कुछ भी करता है, गाड़ी के अंदर कोई भी धंधा करता है, स्मगलिंग करता है, जो भी करता है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी उस आरिफ की होगी। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चुरा के भागा है।
अरे आदमी बोलता है आप कंप्लेंट करने जाओ, कब जाएगा कंप्लेंट करने आप बताओ मेरे को। 18 मार्च को तो एक आदमी को मार के भगा दिया, हाँ बार बार में उसको बार बार मारने का धमकी दिया, ये किया, उसके बाद उसको धमकी देने के बाद वो धमकी की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसको बोलता लॉकडाउन ख़त्म होने तो मारूंगा, उससे अपना वादा भी पूरा किया, लॉकडाउन ख़त्म होने तो उसको मारा, उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास। पुलिस सुने तो बताए ना, पुलिस सुनती है क्या? पुलिस 307 के केस वाले को ऐसे ही पकड़ रही है। वो बेचारा अपने आप को बचाने लगा, बचाते बचाते वो जेल में चला गया। जेल जाने के बाद विद्या देवी ने उसका क्या बोलते हैं, विद्या देवी ने उसकी बेल करवाई, दिवाली में बेल से आया। बेल से आने के बाद अभी एक साल से वो अपनी ज़िंदगी सुधार रहा है, धीरे 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 स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे अपनी अपनी ज़िंदगी को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है कि फिर से मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। तो वो कब जाएगा कंप्लेंट करने, आप ये तो बताओ मुझे। ये बातें मैं अपने वकील तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कब जाएगा वो बंदा कंप्लेंट करने, ये बताओ मुझे आप लोग सब लोग। ये तो गलत है ना, मतलब एक इंसान सीधा और अच्छा बन रहा है, उसकी गांड बरोबर गांड में डंड बम्बू डालने का, और एक भड़वा मादरचोद जो सबकी बैंड बजा के रखा है, सबको ड्रग्स दे रहा है, नितिन परदेसी जो अब पूरे गुराई में घूम रहा है, क्या बोलते हैं, सीरियल का काम कर रहा है, मतलब कहते हैं ना शूटिंग का काम करके दिन दहाड़े वो लोग सबको नशा दे रहे, उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ रही है। उल्टा मैंने जब उनके नाम पे FIR करने गई थी, उन्होंने FIR की कॉपी दबा दी। ये हमारे पुलिस को शोभा देता है? बताइए आप लोग, ये हमारी बोरीवली पुलिस को शोभा देता है? मैं खुद गई हूँ, जब उन लोगों ने मेरी FIR कॉपी को नहीं अटैच किया, तब मैंने वो चीज़ का केस मैंने किया है आरिफ शेख पे, तब वो केस उसके ऊपर हुआ है। अरे हमारे बॉम्बे की, हमारे इंडिया की पुलिस अगर सुनेगी तब तो करेंगे ना। मैं पूजे से भी अपना काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे में दम नहीं है पूजे से काम करने का, लेकिन हम लीगल तरीके से चलना चाहते हैं, क्योंकि कानून सबूत मांगता है और सबूत विद्या देवी के पास है। सी विद्या देवी के पास सबूत है, क्योंकि आज मेरे वकील ने मुझे बात पूछी कि अगर वो बोलेगा कि गाड़ी का इतने दिन कंप्लेंट किया क्यों नहीं किया, तो कहाँ से करेगा कंप्लेंट, कैसे करेगा कंप्लेंट, जब 18 मार्च को एक आदमी को भगा दिया, पूरी तरह से नशे के लत में उसको बीमार कर दिया, वो मरने पे अटका था, उसके घर के बाहर आदमी छोड़े गए थे मारने को, उसके बाद उसको 2 बार उस बंदे ने मारा है, बकायदा रिकॉर्डिंग में धमकी दे रहा है, आप लोगों ने सबने वो रिकॉर्डिंग सुनी है आरिफ शेख की, उसका उस रिकॉर्डिंग में उसका साथ देने वाला है नितिन परदेसी, विक्रम चौधरी, समीर, ये लोग मेरे घर के सामने से मुझे गाली दे के गए हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी लेके घूमते थे वो बंगले के बाहर। इन सबके नाम पे कंप्लेंट है, इनके नाम पे पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, और एक सीधा साधा आदमी जो अपनी लाइफ विद्या देवी के साथ जी रहा है, आराम से एक लाइफ सेटेबल हो रहा है, उसके लिए विद्या देवी के लिए 4 लाख बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों को सज़ा दिलानी नहीं बड़ी बात है। 4 लाख क्या बड़ी बात है, मैं अभी दे दूँ 2 मिनट में, लेकिन हमें उस आदमी को सज़ा दिलानी ना गाड़ी लेके, क्योंकि पैसा भरे हम ऐश करे वो तो नहीं चलेगा ना, गलत बात है ना। वो और भी बहुत लोग, अरे वो तो मेरे नाम पे भी गाड़ी ले रहा था, मुझे तो आज पता चला, एक बार वो मुझे भी फंसाने देख रहा था, लेकिन कैसे, मैं ज्योतिष का काम करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, हम ज्योतिष और पंडित लोगों को लोन नहीं मिलता है, इसके लिए वो मुझे फंसाते फंसाते रह गए, तो वो भी मुझे भी फंसाने जा रहा था, वो तो क्या दिमाग है, वाह। तो देखो अभी मैं कल जा रही हूँ सप्तशृंगी मंदिर और इन सबकी बैंड बजाने जा रही हूँ। मैंने क्या बोला है, जिन जिन लोगों ने आज तक आरिफ शेख का साथ दिया है, जिन भी लोगों ने आज तक आरिफ शेख का साथ दिया, चाहे सरस्वती मैडम हो, चाहे माया मैडम हो, चाहे केशव के पापा के भाई हो, चाहे, क्योंकि केशव के पापा के भाई भी उसमें बराबर के हिस्सेदार है, जब वो लात खाया, जब लतिया आया, तब उसको पता चला, अरे हाँ मेरा भाई मेरा है, नहीं तो वो भी अपनी भड़वागिरी पे बराबर उतरा था। मैं तो गाली दूंगी मुँह पे, क्यों, मुझे पता है, कॉन्फ्रेंस में मैंने बात की थी, घुन के गेहूं के साथ तो घुन भी पीसेगा भाई, हम सबके लिए बराबर वो है। उसके बाद चाहे माया मैडम हो, माया मैडम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पति को मार खिलाने, माया मैडम कौन, दूसरी केशव के पापा की वाइफ, वो भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी ये सब चीज़ों में। ये तो जब बॉम्ब फूटेगा तो सब पे बराबर बराबर फूटेगा, है ना, ये बात है। क्यों, जब तुम्हारा भाई मर रहा था, तुम्हारा तब तुम लोग के मुंह में दही जमी थी, तब तो तुम बराबर बात कर रहे थे, मेरे सामने बात कर रहे थे, मेरे पास सबूत है, मेरे पास हर किसी का सबूत है, मैं सबकी मारूंगी, मारने पर आऊँगी, तो सही बात है ना। और क्या बोलने का, और एक बार बात, क्या बोले हम माया मैडम को, उसकी बेशर्मी का पर्दा तो सबको मालूम है घर में, उनके घर में तो सब लोग उसी उस वही चीज़ के चाव, वही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं बोल के, घर को सबको मालूम है, लेकिन क्या बात है, क्या करेंगे, अब वो गलत तो गलत है, तो क्या भगा देंगे, क्या भगा देंगे तो क्या ऐसे चलेगा, ऐसे बात होती है ऐसे, मतलब माया मैडम लोग के घर पे, ये केशव के पापा के घर की बात नहीं बता रही मैं ये बता रही हूँ कि आरिफ शेख का जिस भी लोगों ने साथ दिया, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे जो भी हो, अब गलत का साथ गलत तरीके से ही हम देंगे। मैं कानून के हिसाब से चलूँगी, लेकिन ये क्या है, मेरे स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि मेरे केशव के पापा को फंसाने को देखते हैं, मेरा एक ही बात है, मैंने जो स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात, मैं जो करने जा रही हूँ, ये होली तक जो जिन जिन लोगों ने आरिफ शेख का साथ दिया है, या जिन जिन लोग आरिफ शेख का साथ अब दे रहे हैं,
चाहे सरस्वती मैडम हो, चाहे माया मैडम हो, चाहे कहते ना ये नितिन परदेसी हो, चाहे मोरे हो, चाहे विक्रम चौधरी हो, चाहे समीर हो, चाहे अलारा फलाना ढिकाना, चाहे पूरा भीमनगर हो, ये वादा ज़रूर है होली की रात तक सबके साथ कांड होगा। जिन लोगों ने गलत का साथ दिया है ना, उन सबके साथ उनको भगवान उनकी किए की सज़ा देंगे। उस सज़ा को दिलाने ही, उस सज़ा की पूजा करने ही मैं कल जा रही हूँ, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। एक सीधे साधे आदमी को टारगेट बनाना बहुत गलत बात है। मतलब ये कितनी हंसी की बात है ना, किसी को कितना अच्छा चूतिया बना। मतलब आज के दिन में अच्छाई की दुनिया नहीं है, विद्यार्थियों के साथ भी ऐसे हुआ, अच्छाई की दुनिया नहीं है। इंसान अच्छा करने जाता है, किसी को भाई बनाता है, घर में रखता है, वो घर में दगा करता है, चड्डी दोस्त को धोखा देता है। बताओ, वो बेचारा अपने पप्पा से झगड़ा करके उसको अपने नाम पे गाड़ी करके देता है, सब कुछ। उसने गेम तो बड़ा अच्छा खेला कि कभी ये गाड़ी का लोन नहीं भरूंगा, तो ये फंसेगा। कैसे फंसेगा? विद्या देवी है ना, विद्या देवी है, उसकी बहनें हैं, हाजिदा है, सुनीता है, स्नेहलता है, सब है ना तेरी गांड मारने के लिए, तेरे लोगों की गांड मारने के लिए। देख तेरी कैसे मारते हैं हम लोग। या तो तू इज्जत से अपना गाड़ी ला के दे दे, या तो तेरी मौत का वो करेगी। क्योंकि देख, एक केस तो बनने, ये कंप्लेंट तो बनने वाली है, ये तो पक्की बात है। क्यों? 2 साल से तू गाड़ी चुरा के भागा है। 2 साल पहले गाड़ी मेरे बंगले पे थी, उसके बाद से गाड़ी तू चुरा के भागा है। और कंप्लेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि तू दो दो तीन तीन बार हाथापाई पे उतरता, गुंडागर्दी उतरता, तू इन चूते लोगों के भरोसे तू 10-15 लड़के लेके करता है। तूने कभी, और तू एक बात बता, हम लोग को लगता है तू औरत ही है, तूने कभी मर्दों वाला काम किया है क्या? हर जगह पे मैंने हमेशा देखा है, जब भी मेरे घर पे आता था ना आरिफ, तो इसके 3 ही साथी रहते थे, समीर, नितिन और विक्रम और ये मोरे। ये लोगों के बल पे ही ये भड़वा उठता था, हमेशा उनको ही साथ रखता था। कहीं जाना ए आ रहे, कहीं जाना आ रहे, ऐसा करता था। जब तक केशव को पप्पा नहीं थे, उसको नौकर बनाता था। क्यों सर? नितिन भाई तेरे पास तो गोनी भर के पैसा है, फेंक ना गोनी भर के पैसा, मेरे मुँह पे फेंक, मैं लेती हूँ गोनी भर के पैसा, फेंक तू, आ जा तू मेरे सामने। क्योंकि मैं तो एक सीधी बात बोल रही हूँ, गाड़ी नहीं मिलेगी ना 4 दिन में, मैं तुम सबकी फोटो पूरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। क्यों? हमारे साथ गलत करते समय नहीं सोचा ना, तुम्हारे साथ हम नहीं सोचेंगे। मेरे केशव के पापा के लिए सोचा क्या? उसके साथ गलत करते समय सोचा क्या? उसके भीमनगर के बाहर निगरानी करते समय सोचा क्या? जब देखो बुद्ध विहार पे खड़े रहते थे, सोचा क्या? अब मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगी, और जो जो तुम्हारे साथ मिलके मेरे केशव के पापा की बैंड बजाने को देख रहे, तुम सबका मैं क्या हाल करूंगी वो देखो। क्योंकि मेरे पास हर किसी के नाम का हर तरह का सबूत है, ये बात पक्की है। और रही बात गाड़ियों की, गाड़ी मेरे पास और भी, अभी मैं तो कल सप्त सिंह की जा रही हूँ, लेकिन उस गाड़ी से नहीं जा रही हूँ जिस गाड़ी से मुझे जाना चाहिए। मेरे लिए, विद्या देवी के लिए बहुत लोगों ने अपने दिल का दरवाजा खुला रखा है। सिर्फ बोलती हूँ ना तो बोलते दीदी गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, ऐसे समझे। हमको किसी की गाड़ी नहीं चाहिए। और जिन लोगों की गाड़ियों में मैं जाती थी ना, आज से अभी से कसम खाई हूँ, दोबारा उस गाड़ी में विद्या देवी बैठेगी नहीं, उस गाड़ी में पैर नहीं रखेगी। क्यों? चीटिंग किया, दिल से प्यार किया था, हर एक किसी को बेटा बाप भाई समझा था, वो लोग ने भी चीटिंग किया। क्यों किया? बाहर भी इंसान कर सकता है, घर में ही गलत करना था, नहीं। उसकी सज़ा मैं देखो, उसकी सज़ा मैं माँ सप्तशंगी पे छोड़ती हूँ। आपको नहीं पता, वो बहुत गुस्से वाली माँ है। और जो काम मैं करने जा रही हूँ, ये वादा है मेरा, अब अगर आप गलत हो ना तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर आप सही हो तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत हो, गलत का साथ दी हो, तो ये विद्या देवी की वादा है, माँ रेणुका माँ की कसम, मेरी विंध्यवासिनी की कसम, मेरी माँ बगलामुखी की कसम, ये होली की रात तक सबकी बैंड बजेगी, सबकी बैंड बजेगी, किसी के पास कुछ नहीं रहेगा बचने के लिए, ये वादा है मेरा। बस ये औरत इस प्रेग्नेंट में, ऐसा कहते ना, इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं इस प्रेग्नेंट में अपने बच्चे के बाप के साथ तो कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे का, मेरे को मार दो, मैं रास्ते में खड़ी हूँ, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे के बाप तक अगर कोई आया ना, विद्या देवी उसको फाड़ के फेंक डालेगी, ये बात है। चाहे कोई भी हो, किसी के बाप से नहीं डरती है मैं एकदम वाइट में चले, मैं अपना यूट्यूब भी चलाती हूँ, वाइट बिजनेस चलाती हूँ, कभी किसी से कैश पैसा लिया नहीं, कोई ब्लैक का पैसा लिया नहीं, वाइट पैसा लेती हूँ और वाइट पैसा देती हूँ, प्रूफ रहता है। तो मेरे तक आके दिखाओ, मेरे तक छोड़ो, मेरे केशव के पापा तक आके दिखाओ, कोई भी आके दिखाओ, माया मैडम हो चाहे कोई भी हो, वो माया मैडम को भी बेशरम है, उसको तो शर्म ही नहीं है, वो तो इतनी बेशरम है कि बिंदास, उसको क्या है, मेरे से दोबारा गलती होगी नहीं। एक बात बताओ, मेरे केशव के पापा ना कभी थूक के चाटता नहीं है। तुम चाहे कितनी भी शरीफ बन कर कोई भी कर ले, कोई भी शरीफ बन जाए, कुछ भी कर ले, मेरा केशव का पप्पा, मेरा प्रभु कभी थूक के नहीं चाटता है। गलती की सज़ा तो विद्या देवी देगी, और अब बुरी तरह से देगी, कानून से भी देगी, अपने पूजा पाठ से भी देगी, और मेरी पूरी टीम लगी। आज मेरी हाजिदा ने मुझे कसम खाई, माँ अगर इन लोग की उल्टी गिनती शुरू नहीं करवाई, मेरा नाम बदल देना। क्यों? गलत किया है तुम लोगों ने, अब तुम्हारे साथ गलत होगा, इसीलिए। क्यों? तुम लोग गलत हो, तुम लोग अभी भी चाहो तो चीज़ें ला के दे दो, बस बात खत्म। अभी तुम्हारी मर्जी तुम्हारे साथ क्या करना है। कल मैं यात्रा पे निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रकाश भाई के लिए, अपने केशों के लिए ओटी भरनी है, बाकी का काम
मैं वहाँ जाके देखूँगी मुझे क्या करना है। जय माता दी। गलत करोगे तो गलत मिलेगा। और एक और बात बोलती हूँ, कोई आप पर विश्वास करता है ना, उसका विश्वास मत तोड़ो। गंदगी इंसान बाहर भी करता है, घर के अंदर गंदगी करने वाला इंसान नहीं रहता। मैं औरतों के लिए बहुत सोचती हूँ, मैं सबके लिए बहुत सोचती हूँ, लेकिन मुझे ये सब गंदगी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। आपको बताओ, मेरी बा है ना, मेरी बा एक ही बात बोलती है, हमारे घर में हमारे अघोरियों में रूल है, हर जगह मुंह मारना नहीं। हमारी बा जब वचन लेती है ना तो एक ही बात बोलती है, एक ही से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, तभी इस समाधि पे एंट्री है, नहीं तो यहाँ पे एंट्री नहीं है। जो औरत अगर अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकती है, अपने 10 जगह मुंह मार सकती है, वो औरतों को यहाँ समाधि पे एंट्री नहीं है। हम लोग सिर्फ पुजारियों को एंट्री है। अभी मेरी एक नेहा करके थी दिल्ली से, वो मुझे पूछ रही थी, माँ मैं जाऊँ क्या, मिली नहीं एंट्री नहीं। अघोरी का रूल है, अगर आप अपने तन मन धन से किसी एक को अपना पति मान के चलते हो ना, तभी वो आगे सक्सेस है। पता चला 10 जगह मुंह मार के फिर सॉरी बोल दो, और वो पति भी कितना बेशरम होता है, सॉरी बोलने पे रख ले, वो बहुत बेशरम है। लेकिन क्या है ना, ये भी बात समझ गई, इज्जत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए बोल रही हूँ। मेरे पीछे, मेरे बच्चों के पीछे, केशव के पापा के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ने का। और गाड़ी जहाँ कहीं भी हो, इज्जत से भीमनगर ला के दे दो, नहीं तो पक्का बोल रही हूँ, जो इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर तुम लोग की होगी। क्योंकि जब मिल के खाए थे ना, मिल के मजा मारे हो ना एक साल, अब मिल के सज़ा भी भुगतोगे, चाहे जो भी हो। खुला चैलेंज देती हूँ, चलो जो होएगा मैं देख लूँगी। जय माता दी।